hello students how are you today in this video we will do the question answer if you want to see the summary of this chapter uh, subscribe my channel and also go through the youtube search by trees summary by Shama. definitely you will get or also you can uh, search the other chapters with their question answer and the summary by naming the chapters and if you want to see the question answer sayings क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा इफ़ यू वांट टू सी द समरी चैप्टर नेम दे समरी बाय रानी शर्मा डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो चलिए मैं हिंदी में भी बहुत अच्छे से विद मीनिंग आपको समरी करा चुकी हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर एक्सरसाइज तो चलिए नाउट सी द क्वेश्चन इसके बी पार्ट पे आते हैं जिसमें दिया हुआ है अंडरस्टैंड यू हैव टू चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स which is suitable for the fill in the blanks according to the sentence so here the seasons will be the come in first place और उसके बाद plants humans और उसके बाद frost जैसे कि हम पॉम में पढ़ पढ़ चुके हैं अच्छे से समझ चुके हैं blossoms fruits और threaten then उसके बाद roots and pleads और आप चाहे समरी सुन सकते हैं इसका चैप्टर नेम करके या कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सर्च कर सकते हैं आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे ट्रीज समरी बाय रानी शर्मा या ट्रीज़ क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा या कोई भी चैप्टर हो तो सर्च कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर आपका विंड आएगा उसके बाद चेरीज आएगा गर्ल आएगा और परमिशन देन उसके बाद बोज बी ओ डब्ल्यू एस बोज और उसके बाद सेविंग सो फॉर दिस यू हैव टू लिसन द समरी फर्स्ट इसके लिए आपको सबसे पहले समरी सुननी चाहिए ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है चलिए नाउ हेयर थिंक इज गिवन सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द पॉइंट शो द ट्री कियर फॉर अस कैसे ट्री जो है हमें हमारी कीयर करता है हमारी परवाह करता है चलिए लेट सी द आंसर सो द फर्स्ट आंसर हेयर द ट्री हैज़ बीन पोर्ट्रेड हैज़ सेविंग इट्स फ्रूट्स फॉर द चाइल्ड एंड जनरल सी एंड जनरल सी बेंडिंग फ्राम इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ एंड हाइट सो दैट द चाइल्ड कैन प्लग दम ईजली ट्री को ऐसे चित्रित किया गया है यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया है कि वो कैसे सेविंग करता है अपने फ्रूट्स के फ्रूट्स की कैसे प्रोटेक्शन करता है फॉर द चाइल्ड बच्चे के लिए जनरसली मीन्स उदारतापूर्वक कैसे बैंडिंग हो रहा है बैंडिंग मीन्स होता है झुकना फ्रॉम इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ अपनी बहुत ही ताकत और हाइट होने के बावजूद भी वो कैसे बच्चे के लिए नीचे झुक रहा है ताकि बच्चा जो है ईजली उसको प्लक कर सके प्लक मीन्स तोड़ना उसकी उसकी पेड़ पे जो चेरी लगी हुई है उसको तोड़ सके दिस इज़ हाउ इस तरह से जो दिखाया गया कि कैसे आवर पेरेंट्स एंड केयर गीवर्स ट्रीटर्स इस तरह से दिखाया गया कि कैसे हमारे पेरेंट्स हैं और जो हमारे केयर गीवर्स जो मतलब हमारी परवाह करते हैं हमें कैसे ट्रीट करते हैं कैसे हमारी केयर करते हैं कैसे हम हमें देखते हैं दिस वे इस तरीके से द पॉइट हैज़ लिस लाइक्ड इस तरह से पॉइट जो है लाइक्ड uh, करते हैं ट्री को टू अ पेरेंट्स और अ केयर गीवर इसीलिए उस ट्री को ऐसे दर्शाया गया है एक पेरेंट्स के रूप में और एक केयर गिवर के रूप में कम टू द सेकेंड क्वेश्चन हाउ इज द ट्री सिमिलर टू अ पर्सन कैसे जो है ट्री एक पर्सन की तरह सिमिलर है समान है द ट्री इज शोन टू बी इंट्रैक्टिंग विद द विंड एंड द फ्रॉस्ट सेविंग इट्स फ्रूट्स फ्रॉम द चाइल्ड फ्रॉम द फॉर द चाइल्ड इस तरह से एक ट्री को दिखाया गया है इंट्रैक्टिंग करते हुए बातचीत करते हुए हवा से और फ्रॉस्ट से फ्रॉस्ट मतलब कि बिल्कुल जो ठंडी वाली जो लहर होती है हवा वाली सेविंग इट्स फ्रूट्स मतलब अपने फ्रूट्स को कैसे सेव करता है फ्रॉम द उनसे और किस चीज़ के लिए फॉर द चाइल्ड बच्चे के लिए कैसे उनको अपने चेरी को बचाता है फ्रॉस्ट से विंड से द ट्री ऑल्सो बैंड्स और यहाँ तक कि जो पेड़ है वो झुकता भी है ऑफरिंग इट्स फ्रूट्स अपने फ्रूट्स को देने के लिए जनरल्सली मतलब कि उदारतापूर्वक वार्मली पूरे जोश से और अफेक्शनेटली पूरे मतलब कि प्रे से मतलब कि प्रसन्नता होकर उसे कैसे बच्ची को देता है अपनी चेरी बाय शोइंग दीज क्वालिटीज़ इस तरह से ये जो क्वालिटीज़ दिख रही है द पॉइंट मेक्स द ट्री पर्सन लाइक और ये क्वालिटीज़ जो है पर्सन में भी देखने को मिलती है सेम इसीलिए जो है पॉइंट ने कंपेयर किया है ट्री को पर्सन के साथ यानी उनमें सिमिलैरिटीज दिखाई है नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द फ्रॉस्ट एंड द विंड वांट टू टेक द बर्ड्स एंड फ्लावर्स अवे आपको क्या लगता है जो फ्रॉस्ट जो ठंडी शीत लहर है और विंड जो हवा है वॉन्ट्स टू टेक द बर्ड्स एंड फ्लावर्स अवे वो चाहती है कि कलियों को और फ्लावर्स को ले जाना आपको क्या लगता है चलिए लेट सी द आंसर हियर इन ऑटम एंड विंटर सीजन जैसे कि हमें पता है ऑटम में और विंटर सीजन में एंड ऑल्सो इन स्प्रिंग सीजन और स्प्रिंग सीजन में पतझड़ में और वसंत ऋतु में और जो है आपके विंटर सीजन में वी सी विंड्स स्वीपिंग लीव्स हम देखते हैं कि जो हवाएं हैं वो लीव्स को क्या करती है स्वीपिंग करती हैं बाहर ले जाना पत्तियों को बाहर ले जाना फ्लावर्स को ले जाना इन स्ट्रॉग विंड्स जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है एंड इन फ्रॉस्ट और जब फ्रॉस्ट शीतलहर चलती है लीव्स एंड फ्लावर्स गेट स्वैप्ड अवे तो वो क्या कर देती हैं स्वैप्ड अवे हो जाती हैं स्वैप्ड मीन स्वीपिंग आपने पढ़ा था अभी बाहर ले जाना तो उसी का ही पास्ट है स्वैप्ड ठीक है उनको बाहर ले जाती है एंड फॉल और गिरा देती है दिस इज द साइकिल ऑफ नेचर ये एक प्राकृतिक का साइकिल है नियम है इन द पोएम इस पोएम में द पॉइट हैज़ परस इसमें मतलब कि दिखाया गया है द विंड एंड जो विंड है और है इसमें पर्सोनिफाइड किया गया मतलब कि मानवीकरण किया गया है बाय शोइंग दैट दे टू लॉन्ग फॉर द बर्ड्स एंड फ्लावर्स यह दिखाते हुए कि काफी लंबे समय लगता है बर्ड्स को फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए एंड दैट द ट्री प्रेफर सेविंग दीज फॉर द चाइल्ड और उसको जो है दिखाया गया है कि किस तरह से ट्री जो है सेव करता है उसको बचाता है उसको उसको प्रोटेक्ट करता है बच्चे के लिए फॉर द चाइल्ड के लिए द पॉइंट हैज़ पोर्ट्रेट यहाँ पर जो है दिखाया गया है चित्रित किया गया है द फ्रूट्स टू बी प्रीशियज यहाँ पर यह बताया गया है कि जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही प्रीशियज़ हैं बहुत ही ज़रूरी हैं एंड द प्राइज और उस उसकी अहमियत उसकी कीमत बताई गई है बाय नॉट जस्ट द ट्री लेकिन सिर्फ ट्री के लिए ही नहीं बताया गया एंड द चाइल्ड ना कि बच्चे के लिए बट बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर बाकी उन सभी नेचर के एलिमेंट्स के लिए बताया गया है कि ये बहुत ही ट्री जो है ट्री के लिए फ्लावर्स बर्ड्स प्रीशियस हैं और रिलीज प्रीशियस हैं इसी तरह से जो है ह्यूम्स के लिए पर्सन के लिए उनके बच्चे बहुत कीमती हैं प्रीशियस हैं और प्राइजलेस हैं ये सारी चीज़ें जो नेचर की चीज़ हैं वो भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है लाइफ के लिए क्योंकि पूरी टोटली जो ये लाइफ सर्कल जो है डिपेंड है पूरा नेचर पे सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट से ट्री एंड ग्रो ट्री एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द ट्री सो डोंट फॉरगेट टू लाइक लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ टेक केयर बाय बाय टू ऑल